हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। और आज 22 फरवरी और 22 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितने भी आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हाल ही में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 72वां देश कौन सा बन गया है? तो हाल ही में इसमें ISA में मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 72वां देश अर्जेंटीना बन गया है। और मैंने एक 73वां भी बन चुका है दोस्तों, तो 73वां नहीं लिखा है, तो 73वां बना है सऊदी अरब बना है 73वां देश, जो कि 72वां अर्जेंटीना और 73वां सऊदी अरब बना है, तो याद रखना आपको इतना। और IS मतलब आई इंटरनेशनल सोलर अलायंस 121 देश इसके अंतर्गत आते हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा जो अपनी है, कर्क रेखा और मकर रेखा इक्वेटर जिसे हम कहते हैं, इक्वेटर में सन की जो रेशेस होती है वहाँ सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो इस ये अलायंस के हिस्से में ये कंट्रीज़ आती हैं, जो इक्वेटर सॉरी जो मकर रेखा और कर्क रेखा के जो बीच में कंट्रीज़ होती हैं वो इस सोलर अलायंस में आती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं जहाँ पर सन का प्रभाव ज़्यादा होता है। और तो इतना आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ISA का? तो इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा में है, हेडक्वार्टर है इसका, तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का कुछ सोलर अलायंस होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो आपको इस तरह याद रखना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल में डिजिटल शिक्षा देने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में ODB इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का, हाल ही में स्कूल में डिजिटल शिक्षा देने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और ये पूरे देश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं मतलब क्लास 9th के साथ साथ उच्च संस्थानों में भी शुरू किया जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य है कि क्लासरूम को डिजिटल क्लासरूम में बदलना, इसका मुख्य उद्देश्य है। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो ये आपको पता होगा, प्रकाश जावड़ेकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरो इंडिया 2019 का 12वें का संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में एरो इंडिया 2019 का 12वां संस्करण का उद्घाटन ये बेंगलुरु में किया गया है। और येलाहांका वायु स्टेशन में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये किया गया है। और यह भारत की वायु रक्षा कौशल और विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा, तो आपको इतना एरो इंडिया के बारे में याद रखना है। चौथा भारत आसियान एक्सप्रो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में चौथा आसियान एक्सप्रो शिखर सम्मेलन ये दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और बात हुई है आसियान की, तो मैं आसियान के बारे में बताता हूँ। और ये भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने का इसका उद्देश्य है, इस सम्मेलन का, तो इन दोनों के बीच में संबंध अच्छे से बने तो इसका उद्देश्य है। अब बात हुई आसियान की, तो आसियान कंट्री मैं आपको बता देता हूँ आज, हालांकि मैं बता चुका हूँ। तो आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई थी। और इसमें ये कंट्रीज आती हैं आसियान कंट्री, जिसका नाम इस तरह है कुछ, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, वेनेजुला और कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, ये कंट्रीज आती हैं आसियान के अंतर्गत। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आपको इतना याद रहे। उसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में, इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अट्टुकल पोंगल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो हाल ही में अट्टुकल पोंगल, ये पोंगल कर लीजिएगा इसे, महोत्सव शुरू किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है। और यह त्यौहार एक दिन में महिलाओं के विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में भी मनाया जाता है। बात हुई केरल की, तो इसकी तो कैपिटल तिरुवनंतपुरम ही है। और यहाँ के जो CM हैं पिनराई विजयन इसके CM हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं P Sadashivam यहाँ के गवर्नर हैं। और एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। और ये मसालों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है केरल। फेस्टिवल ऑफ इंडिया त्यौहार का आयोजन कहाँ शुरू किया गया हाल ही में? तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत ये नेपाल में किया गया है। और ये एक महीने का
एक महीने का ये आयोजन है जो कि नेपाल में शुरू किया गया है। नेपाल की नई पीढ़ी को नेपाल और भारत के बीच समानता का परिचय दिलाना इसका मेन उद्देश्य है। मतलब भारत की जो नई नेपाल की जो नई पीढ़ियाँ होंगी उनको इन दोनों के बीच नेपाल और भारत के बीच समानता का परिचय दिलाना ही इसका मेन उद्देश्य है, इस आयोजन का उद्देश्य है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं कड़क प्रसाद शर्मा ओली, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, और चीफ जस्टिस ऑफ पूछ लिया जाता है नेपाल तो चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल चौलेंद्र शमशेर राणा, जो कि 27वें हाल ही में बनाए गए हैं नेपाल के चीफ जस्टिस ऑफ। तो इतना आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है, और भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूक बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। और यह दिवस मनाने का विचार क्या था? बांग्लादेश की एक पहल थी ये, तो बांग्लादेश की पहलकारिणी दिवस मनाया जाता है। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 20 फरवरी को, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखना है। आभासी प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में आभासी प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन वाराणसी के मान महल में किया गया है, और वाराणसी के विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं को प्रदर्शित करेगा ये। मान महल एक केंद्र संरक्षित स्मारक है जहाँ पे हाल ही में आभासी प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग शब्द को प्रचलित करने वाला वैज्ञानिक का निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या था? तो जो हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग शब्द को प्रचलित किया था इन्होंने, तो इनका नाम है वालिस स्मिथ ब्रोकर। ये हैं वालिस स्मिथ ब्रोकर जी, जिन्होंने हाल ही में, इनका निधन हो गया है। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग शब्द को प्रचलित किया था, और पोषक तत्वों का संचरण करने वाली समुद्री धाराओं की वैश्विक प्रणाली महासागर कन्वेयर बेल्ट, जिसे कहते हैं महासागर कन्वेयर बेल्ट, को पहचानने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। और विज्ञान जगत में जलवायु विज्ञान के पितामह भी कहा जाते हैं। क्या? जलवायु विज्ञान के पितामह भी कहे जाते हैं वालेस स्मिथ ब्रोकर। तो आपको इसके बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आया दोस्तों? तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताइए प्लीज। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आप लोग को डेली करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।